ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। और आज का मैंने टॉपिक ले लिया मैंने CSIR NET दिसंबर 2016 सेट बी क्वेश्चन नंबर 42 न्यूमेरिकल आंसर, क्योंकि न्यूटन रैप्शन मेरा अभी टॉपिक चल रहा है तो न्यूटन रैप्शन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन पे हम कैसे बात करेंगे, मैंने पिछले लेक्चर में ही इस तरह के क्वेश्चन को मतलब ये कैसे आया हुआ है, जो फार्मूला है पर्टिकुलर उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि व्हाट इज़ द थर्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ स्क्वायर रूट, तो न्यूटन रैप्शन फार्मूला क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं। हम बात करें थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू रूट ए है या r एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है, सो और यह थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस हो विच इज या रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 3। कि क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, इन जनरल 2 होता है बट इस कंडीशन दे दिया है कि अगर ये स्क्वायर रूट है और इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 3 है तो उस केस में न्यूटन्स रैप्शन फार्मूला क्या होता है, तो न्यूटन रैप्शन फार्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन बाई 8। याद रखना पड़ेगा आपको 6 प्लस 3 ए अपॉन एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर अपॉन ए, ये है फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इन दोनों को देखिए, ये जो दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, सीक्वेंस नंबर आप इसको फर्स्ट कर सकते हैं, इसको सेकंड कर, जब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये बनता है। ठीक है, ये हमारे पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि ज्वाइन करके इसको कैसे डिडक्ट किया गया है, थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस ऑफ स्क्वायर रूट के फार्मूले को कैसे डिडक्ट किया गया है, जब दो सीक्वेंसेस ऑलरेडी गिवन थे तो उनको डिडक्ट करके ये नया फार्मूला बनाया गया था, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस में, आपको समझ में आ जाएगा ये एग्जैक्ट। तो अब कह रहा है कि इन दोनों को सीक्वेंस को ज्वाइन करने पे ये बनता है, तो अल्फा बीटा का क्या मान होगा, तो इसको ओपन करके थोड़ा सा हम कर देते हैं, तो 6 बाई 8 हो जाएगा, 3 बाई 8 हो गया, ए अपॉन एक्शन स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई 8 हो गया, एक्शन स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, ये एक्शन प्लस 1 दिस इज 1। अब इस वाले की बारी कर लेते हैं, 1 तो एक्शन इज कॉमन, यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी है तो कॉमन ले लिया, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 अल्फा, ठीक, यहाँ से बीटा मिल जाएगा। ठीक, अब आइए इसकी बारी करते हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा एक्शन स्क्वायर अपॉन ए प्लस यहाँ पे बीटा की बारी है, बीटा ए अपॉन एक्शन स्क्वायर दिस इज 2। तो ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 कंपेयर करके रिजल्ट को देखिए, ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग 1 एंड 2, सो देख लीजिए व्हाट इज दिस, ये पहले इसको ढूंढ लेते हैं, ये टर्म्स, तो ये टर्म्स कहाँ है हमारा, ये रहा दैट इज, ठीक है, तो सब गुणांक अल्फा है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 8, ए अपॉन दिस इज ए अपॉन एक्स एन स्क्वायर इज हियर, तो बीटा गुणांक क्या है, 3 बाई 8। तो इन दोनों के लिए यह जो अल्फा और बीटा का मान हमें मिल जाएगा, तो थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस, सो वेयर इज आंसर, ये आंसर है, बाकी के सब रॉन्ग हो गए। तो ये इम्पॉर्टेंट था, मेन इम्पॉर्टेंट था ये जो फार्मूला है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप रिमेंबर रखिए, याद रखिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कभी कभी इसको ब्रेक डाउन करके दे देगा दूसरा, यही फार्मूला है, अब तो कैसे बनाया गया, तो इससे इसको बनाया गया था, ठीक है, तो उसी में पूछ दिया कि बीटा और अल्फा की वैल्यू क्या जोड़ा गया, क्या मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट लॉजिकल एंड क्वेश्चन था, इज इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूटन रैप्शन से हर बार एक क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है जनरली, चाहे उसके रेट ऑफ कन्वर्जेंस रिलेटेड हो, स्क्वायर रूट के रेट ऑफ कन्वर्जेंस रिलेटेड हो, या अंदर जो टॉपिक्स है, बट
इज रेट ऑफ कन्वर्जेंस. बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है उसके, तो उन सभी फॉर्म को आपको स्टडी जनरली करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल एनालिसिस में. सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.